हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट प्रो लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरीके से K2, K1, K3, K4 और VB, ये जो फैक्टर्स है, ये जो डिज़ाइन पैरामीटर्स है, वो किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। तो अब हमें यहाँ से डिज़ाइन विंड स्पीड मिल गई है। डिज़ाइन विंड स्पीड आपको किस तरीके से मिलेगी? ऑब्वियसली डिज़ाइन विंड स्पीड आपका क्या है? VB इंटू K1, K2, K3 एंड K4। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 आप करोगे तो आपको मिलेगा डिज़ाइन विंड स्पीड। अब ये यहाँ पे आपको मिला है VZ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो VZ हमें मिल गया है। तो VZ से हमें PZ विंड प्रेशर एट हाइट भी मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट इज 0.6 VZ2। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो डिज़ाइन विंड स्पीड है 37.6, दैट इज एज इट इज़, एंड हियर मैंने यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्रिएट किया है 0.6 मल्टीप्लाई बाई दिस डिज़ाइन विंड स्पीड मल्टीप्लाई बाई डिज़ाइन विंड स्पीड। तो यहाँ पे मुझे विंड प्रेशर PZ मिल जाएगा। अब PZ हमें मिल गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि PZ हमें मिल गया है। अब हमें फाइंड करना है KD, KA एंड KC। अब ये तीन पैरामीटर अगर हमें मिल जाए तो हमें PD भी मिल जाएगा। तो KD मतलब क्या है? विंड डायरेक्शनल फैक्टर, KA एवरेजिंग एरिया फैक्टर एंड KC कॉम्बिनेशन फैक्टर। अब विंड डायरेक्शनल फैक्टर KD, यहाँ पे आप देख सकते हो कि विंड डायरेक्शनल फैक्टर KD और KA और KC ये तीनों हमें एंटर करना है। तो KD कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे क्लॉस 7.2.1 अगर आप प्रीफर करोगे तो यहाँ पर लिखा है कि फॉर द स्ट्रक्चर लैटिस फ्रेमवर्क और ट्रस टावर यू कैन टेक द वैल्यू 0.9। आप 0.9 वैल्यू ले सकते हो, या तो फिर फॉर सर्कुलर और नियरली सर्कुलर स्ट्रक्चर आप KD की वैल्यू ले सकते हो 1। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फ्रेम टाइप है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू लेना है 0.90। तो यहाँ पे मैं KD एंटर कर रहा हूँ 0.90। अभी हमारे पास है KA एवरेज एरिया फैक्टर। अभी एवरेज एरिया फैक्टर हमें कहाँ से मिलेगा? अगर मैं स्टार्ट में हमारा रियल प्रोजेक्ट जो है वो मैं ओपन करूँ तो एवरेज एरिया फैक्टर क्या होता है? एवरेज एरिया फैक्टर होता है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ कॉलम, दैट इज 4.115 टू द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 4.115 मल्टीप्लाई बाई 8.504। तो वो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 34.99। सो दैट इज 35। सो यहाँ पे आपका KA जो हो जाएगा वो है 35। और KC कॉम्बिनेशन फैक्टर वो हमें कहाँ से मिलेगा? KC कॉम्बिनेशन फैक्टर के लिए KC कॉम्बिनेशन फैक्टर के लिए यहाँ पे क्लॉज 7.3.3.13 हमें रिफंड करना है, और इसमें फ्रेम्स है तो फ्रेम के लिए हमारे पास जो KC है वो है 0.90। तो यहाँ पे KC हमें लेना है 0.90। फिर यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ 0.90। अब सब वैल्यू एंटर करने के बाद यहाँ पे PZ हमें मिल जाएगा। PZ जो है वो हमारा 848.256 है, और जो डिज़ाइन विंड प्रेशर है वो डिज़ाइन विंड प्रेशर अभी क्या रहेगा? डिज़ाइन विंड प्रेशर की ये फॉर्मूला है, तो PD इज इक्वल टू डिज़ाइन विंड प्रेशर PD, KD मल्टीप्लाई बाई KA मल्टीप्लाई KC मल्टीप्लाई बाई PZ। तो यहाँ पे इज इक्वल टू KD मल्टीप्लाई बाई KA मल्टीप्लाई बाई KC मल्टीप्लाई बाई PZ। तो हमें कुछ इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ हमने गलती की है, और वो है KA का एरिया जो है वो हमें 35 मिल रहा है।
यहाँ पे एक चीज़ बाय मिस्टेक हो गई है मेरे से। यस, अब ये ट्रिब्यूटरी एरिया हमें 35 मीटर स्क्वायर मिला है, तो डायरेक्टली हम केक में 35 नहीं एंटर कर सकते हैं, हमें यहाँ पे इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। तो अगर आपका एरिया 25 है तो आप 0.9 ले सकते हो, और 100 से कम है तो फिर 0.8। तो हम 25 और 100 के बीच में इंटरपोलेशन करेंगे, तो यहाँ पे इंटरपोलेशन का यस 25 और 100 के बीच में मैंने इंटरपोलेशन ऑलरेडी करके रखा है, तो 25 के लिए है 0.9 और 100 के लिए है 0.8 और 35 के लिए उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.8867। सो यहाँ पे आ जाएगा 0.8867। तो हमें जो मिलेगा डिज़ाइन विंड प्रेशर वो मिलेगा 609। अब कोड में ऐसा बोला है कि डिज़ाइन विंड प्रेशर जो है वो 70% से कम नहीं होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ पी डी शैल नॉट बी टेकन लेस देन एस 0.7 मल्टीप्लाई बाई पी जेड। अगर यहाँ पे पी जेड की वैल्यू 8.848.256 है, मल्टीप्लाई बाई 0.7 करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 583। तो ये मिनिमम वैल्यू 583 होनी चाहिए या तो फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो आ रही है वो उससे ज़्यादा आ रही है, सो दिस इज़ ओके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड डिज़ाइन विंड प्रेशर।